चलो स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चलते हैं, फिरते हैं, फिर ब्रेन होता है, सोचते हैं। लेकिन प्लांट एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक तरह का मल्टी सेलुलर है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट होता है प्लांट, प्लांट में स्टेम होती है, प्लांट्स में लीफ होती है। ये तो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। अच्छा, स्टेम भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रीन स्टेम। देखो बहुत सारे आपने पेड़ देखे होंगे, छोटे वाले, छोटे साइज के होते हैं, उन्हें ग्रीन कलर की स्टेम होती है। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें ब्राउन कलर की स्टेम होती है, तना कहते हैं, ठीक है, तो ब्राउन कलर की स्टेम। प्लांट में और एनिमल में एक अंतर होता है कि एनिमल सिर्फ एक ही ऑर्गन पे डिपेंड है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं या अलग अलग तरीके से वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। जैसे कि रूट्स अपना अलग टाइप से रेस्पिरेशन करेगा, स्टेम अपना अलग टाइप से रेस्पिरेशन करेगा, और लीफ अपना अलग तरीके से रेस्पिरेशन करेगा। तो एक मान के चलिए प्लांट में तीन तरीके चल रहे हैं रेस्पिरेशन से, तो पूरा का पूरा प्लांट एक ऑर्गन पे डिपेंड नहीं है, पूरा का पूरा प्लांट एक ऑर्गन पे डिपेंड नहीं है फॉर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन डिवाइड हो चुका है, रूट अपना अलग करेगा, लीफ अपना अलग करेगा, और स्टेम अपना अलग करेगा, ठीक है। तो रूट की बात की जाए तो रूट रेस्पिरेशन करता है बाय रूट हेयर। रूट, अब देखो रूट हेयर जो होती है, ये जो रूट हेयर, ये जो रूट हेयर है, ये एक्चुअल में सॉइल के कांटेक्ट में होती है, और सॉइल के बीच में एयर भरी रहती है, सॉइल के बीच में एयर भरी रहती है। एयर में क्या होगी? ऑक्सीजन, ठीक। तो रूट हेयर क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा, रूट हेयर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा और रूट को फिर ट्रांसपोर्ट कर लेगा, क्योंकि रूट हेयर से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रूट, रूट हेयर बॉटम वाला पार्ट जो सॉइल के टच में रहता है, रूट उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक। स्टेम की बात की जाए तो अगर ग्रीन कलर की स्टेम है तो ये करेगा स्टोमेटा से, स्टोमेटा जो कैसे एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक। ब्राउन कलर की स्टेम है तो ये करेगा लेंटी सेल से, लेंटी सेल्स और स्टोमेटा दोनों सेम होते हैं, बस नाम अलग हो गया है, वो ब्राउन कलर में लेंटिसेल्स होता है और ग्रीन कलर में स्टोमेटा। और लीफ सबको पता है, लीफ किससे रेस्पिरेशन करता है, स्टोमेटा, ये जो ओपन क्लोज होते रहते हैं और गैस एक्सचेंज होते रहते हैं। अच्छा, ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस होते हैं वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। चाहे रूट रेस्पिरेशन करे, चाहे स्टेम रेस्पिरेशन करे, चाहे रूट लीफ रेस्पिरेशन करे, ये तीनों प्रोसेस ऑपरेट होते हैं बाय डिफ्यूजन मेथड। और डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। भाई सीधी सी बात है, रूट, रूट किसके टच में थी, रूट हेयर, रूट हेयर किसके टच में है, सॉइल में, सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही स्टोमेटा है लेंटिसेल से, बाहर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, इनमें कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही लीफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तीनों के तीनों पार्ट किस प्रोसेस से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है।